सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य, बागवानी व सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रयासों से भारत सरकार ने प्रदेश में जल संग्रहण के लिए 4,751 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की है। मंडी में बिपाशा सदन में जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण पर जोर देते हुए आसमान से गिरने वाले जल की हर एक बूंद का संचयन करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार उनके इस अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोगों से अपील की कि परंपरागत जल स्रोतों की सफाई पर विशेष ध्यान दें और इनका संरक्षण भी सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों की बैठकों में लिए गए सभी निर्णय को तय समय में अमलीजामा पहनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी लोगों के पास जाएं, औपचारिकताएं पूरी ना होने की बात कहकर मामले टालने की बजाय खुद आगे आकर लोगों से मिलें और औपचारिकताएं पूरी करें। वहीं महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में बागवानी के विकास के लिए 1688 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इसके तहत प्रदेश भर में बागवानी क्लस्टर बनाए जाएंगे। लोग क्लस्टर बनाने में बागवानी विभाग का सहयोग करें। किसानों को फसलों के विविधीकरण पर ध्यान देने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का पर्यटन विकास पर विशेष जोर है। नई राहें नई मंजिल योजना के तहत केंद्र सरकार ने हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1892 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इससे प्रदेश के अनछुए पर्यटन स्थल गंतव्य पर्यटन नक्शे पर उभरेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 तक हर घर को नल से जल योजना से देश के हर घर में पानी की पाइपलाइन और नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। बहुत जल्द प्रदेश में ये अभियान भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में आईपीएस विभाग का मदद करें। वहीं प्रदेश में हो रही लगातार दुर्घटनाओं पर उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए संबंधित अधिकारी प्राइवेट ड्राइविंग स्कूलों का औचक निरीक्षण करें और सुनिश्चित करें कि ये स्कूल सिर्फ सर्टिफिकेट बांटने का काम ना करें। आज की इस बैठक में विस्तार से हमारी चर्चा जो है जो जो मदे आदमी रखी थी उसमें चर्चा की गई है। मेरा और सभी अधिकारी मित्रों से आग्रह रहेगा कि आप जो जो निर्णय आज कमेटी में यहाँ लिए हैं आप उन निर्णयों को हम एक समय सीमा गाँव से पाती है उस समय सीमा के अंतर्गत है आपको अपना अपना आपका दायित्व बनता है आप अपना दायित्व समय मालूम है। दूसरा मेरा आपसे आग्रह रहेगा दोनों पक्षों से आग्रह रहेगा कि हम लोग वाटर कंजर्वेशन जो हमारे प्रधानमंत्री जी का आने वाले समय के लिए एक इस चैलेंज से मैंने प्रधानमंत्री के लिए पूरे देशवासियों से किया है। इस मौके पर विधायक इंद्र सिंह, राकेश जम्वाल, विनोद कुमार, हीरालाल, इंद्र सिंह गांधी, जवाहर ठाकुर और प्रकाश राणा भी मौजूद रहे।